justice. ये कह रहेंगे. We want justice. We want justice. We want justice. ये नामनी रिपोर्ट 1996 से लागू करो, लागू करो. ये नामनी रिपोर्ट 1996 से लागू करो, लागू करो. हाँ सर, मैं अजीत सिंह नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ. सर, हमारा जो पे अनामली का मसला है, ये बहुत दिराना मसला चला रहा है. जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सबू से हमने रुजू किया, वो सबू ने लारे वादे और झांसे दिए, टाइम फिल किया. हमारे इस मसले को हल करने की किसी ने हिमाकत नहीं. उसके बाद हम रिसेंटली पिछले साल 21 जनवरी को एल जी मोदी से मिले थे. उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपका मसला मैं जल्दी हल करूँगा. तो लिहाजा अब साल भी बीत चुका है, हमारा मसला एज इट इज़ है. तो हम फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद किसी वक्त फुर्सत आएगी तो एल जी साहब हमारे मसले पर गौर करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा. दूसरी बात ये है कि हमें आपको मालूम है कि इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देने के बावजूद मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक हमारे साथी जो शहीद हुए हैं वो अपनी जानों तक निशावर की है. तो उसके बाद आज हम सीनियर सिटीजन ये प्रोटेस्ट और धरने पर उतरते हैं. आपको मालूम ही है, तो बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है. आधे साथी हमारे बेडरूम पर पड़े हैं, आधे साथी इस दुनिया से चल बसे. तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आज भी हमारा मसला हल कर दें तो फिर भी हम इनके शुक्रगुजार होंगे. दूसरी बात ये है कि ये जो मेडिकल अलाउंस है, ये 1000 रुपया सेंटर एम्प्लॉय को 2017 से दिया जाता है, तो हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है. ये किस्म का हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक है. उस वक्त ये बताया गया था भाई सेंटर और यूटीपी में देयर इज़ नो डिफरेंस. तो हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि भाई सेंटर और यूटी में क्या फ़र्क हुआ. फिर भाई ये एज इट इज़ स्टेट वाली बात ही रही. तो लिहाजा हम आपके माध्यम से एल जी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें भी 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाना चाहिए, ताकि आपको मालूम है कि आज के दौर में महंगाई के वक्त में जो मेडिसन है वो आकाश छू रही है, उनकी कीमतें आकाश छू रही हैं. और डॉक्टरों की फी वगैरह जो आपको मालूम है कि वो आम आदमी के पास की बात नहीं है, वो उस अफोर्ड नहीं कर सकता. लिहाजा हम ये चाहते हैं कि मेडिकल अलाउंस को अभी जल्द से जल्द इसका हमारे हक में बाजार किया जाना चाहिए, ताकि हमें रात की सांस